सो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। हम ऑनलाइन कैसे स्टडी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम वंदना, अप करियर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। हम ऑनलाइन कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो आप सभी को पता है कि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ऑनलाइन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो उस कैसे क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सो सबसे पहला हमारा होता है अफोर्डेबल। उसकी जो फ़ी होती है वो ईजिली कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज का, जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं हम या ऑनलाइन किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो फ़ी होती है वो बिल्कुल अफोर्डेबल होती है, हम ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं उसे। सेकेंड है हमारा कम्फर्ट। उसमें क्या है, हमें कम्फर्ट जोन में रहता है वो चीज़। ऑनलाइन हमारे क्लासेस हमारे फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम घर से ही अपने जो है क्लासेस टाइम टू टाइम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइम सेवर। अब अगर किसी भी हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ जाने और आने का जो टाइम होता है वो हम ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन अगर पढ़ाई करते हैं हम, तो उसमें क्या है, हम उस टाइम को बचा पाते हैं और उसमें क्या है, हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लास्ट है हमारा मल्टीपल ऑप्शंस। सो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते उतने ज़्यादा अवेलेबल, बट ऑनलाइन में क्या है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि अगर हमें ये इस चैनल का हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे हम बहुत सारे यूट्यूब स्टडी मटेरियल स्टडी रिसोर्सेज आपको जो है मिलती है, तो वो क्या है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें मतलब क्लासेस ले रहे हैं नीट के लिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि हमारे जो नीट का एग्ज़ाम होने में केवल और केवल 7 मंथ्स रह चुके हैं। सो उस चीज़ में हम कैसे अपने टाइम को बचा करके हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो जो हम वीडियोज़ देखते हैं ऑनलाइन लाइक, उसे हम बार बार ना देखें। इट मीन्स ये सोच के कि ऑनलाइन वीडियोस है तो हम कभी भी देख सकते हैं एनी टाइम। आप एक फिक्स टाइम रखो, उस टाइम पे आप देखो, अच्छी तरीके से देखो, समझो उसे, देन आप उसके बाद कोशिश करो कि उस वीडियो को ना देखें। रिवीजन के टाइम पे अगर आप देखते हो तो वो अलग बात है, बट उस वीडियो को बार बार देखना, इससे क्या है, एक ही टॉपिक्स को आप बार बार देखोगे तो आपका जो है टाइम बेकार होगा। आप एक ही चीज़ को जो है बार बार चीज़ों को देखोगे तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो आप उस वीडियो को एक बार देखो प्रॉपर अच्छी तरीके से, देन आप उसकी पढ़ाई करो, उसे चीज़ों को समझो ताकि उसे बार बार रिपीट करने की जरूरत ना हो। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स इज लाइव लेक्चर्स। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो क्या है, लाइव लेक्चर्स ले या रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसमें वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो ऑनलाइन में आपके पास दोनों बेनिफिट्स रहते हैं कि आपको जो है लाइव लेक्चर्स भी ले लेना है, एंड सेकेंडली अगर आप लाइव लेक्चर्स नहीं ले पाते हैं तो उस सिचुएशन में आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको क्या बेनिफिट होता है कि अगर कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है और उसमें अगर वो आपको आता है तो आप उसे क्या है आगे पीछे करके अपना जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। नेक्स्ट हमारा वन शॉर्ट वीडियो रिवीजन। आप जो है वन शॉर्ट वीडियो के मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे आप वन शॉर्ट वीडियो के चक्कर में ना पड़े। वन शॉर्ट वीडियो आप तब देखें जब आपके एग्जाम्स आने वाले हो, जब उस टाइम पे प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट ना हो, उस टाइम पे आप रिवीजन के तौर पे वन शॉट वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जब आप स्टडी कर रहे हैं आपके पास टाइम है तो उस टाइम पे आप वन शॉट वीडियो पे डिपेंड ना रहे। लास्ट हमारा मल्टीपल रिविजन्स एंड क्वेश्चन रिविजन। अब आप पढ़ाई कर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से या एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करेंगे आप क्वेश्चंस जो है मल्टीपल, तब तक आप जो है क्या पढ़ाई हुई है, कितना सिलेबस आपको कम्प्लीट हो गया, इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है, कोई भी चैप्टर्स आप कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद जो है उनका रिवीजन प्रॉपर मस्ट है आपका करना।